कैसे मदद करें। और जोर से सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हेल कर रही है सम्माननीय कल्पनाताई तड़स, मंच पर विराजमान वो नगर सेवक संदीप जी गवई, विशाखाताई मोहोड़, लताताई काटगे, संजय तिवारी जी, सरिताताई तिवारी जी, मेरे बंधु राम अहिरराव, राम अहिरवार, भूषण केसकर उपस्थित, नूतनताई शेंदुलनीकर और मातृशक्ति, आप सभी लोगों को जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नूतनताई को दिल से बधाई देता हूँ कि आज आपने जिस तरीके से कार्यक्रम रखा, जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आपने विविध क्षेत्रों में जिनका कार्य था ऐसे महिलाओं का सत्कार यहाँ पर किया, उसके लिए आपको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो हम हर जगह कहते हैं कि महिला ही ये शक्ति है, महिला कहे या नारी शक्ति कहे, ये दुर्गा की ताकत है, ऐसा भी हम अक्सर कहते हैं। लेकिन क्या केवल एक दिन जागतिक महिला दिन का सम्मान करके, समारंभ करके, क्या सही मायने में महिलाओं का सम्मान हम करेंगे, इसके तरफ भी हमने ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक मेरे सामने बैठी हुई महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में महिलाएं सही मायने में ताकत करके नहीं उभरेंगे। आप सभी लोगों को मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कारण महिलाओं को काफी अवसर मिलने लगा है। आप लोगों की भी इच्छा रहे, शक्ति रहे, तो कुछ ग्रुप उद्योग रहे, कुछ उद्योग जो हम अपने घर में बैठकर कर सकेंगे, ऐसे उद्योगों के तरफ हमने ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सभी लोगों के साथ में निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। आज आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरे हाथ से बुजुर्गों का सत्कार किया, इसलिए नूतनताई को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक बार जागतिक महिला दिन की शुभकामना देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, भले ही पुरुष का उसके साथ साथ रहता है, लेकिन नारी शक्ति बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वो चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकती है। बस यही कहना चाहूँगी। और आज हमारी टीम ने आज इतनी मेहनत की है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा नाम शोभा राठौर है, और मैं अभी ड्यूटी करने के, आप सबको तो पता ही है पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के प्रैक्टिस करती हूँ और अपने घर के भी काम निपटाती हूँ, साथ ही प्रैक्टिस करके। अभी हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो मास्टर्स गेम के लिए हम श्रीलंका गए थे, कोलंबो कैपिटल है श्रीलंका का, वहाँ पर वहाँ से खेल के आई हूँ। तो
नूतन चंद्रकर मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सम्मानित किया यहाँ बुलाकर, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब महिला लोग एकत्रित हुए इस काम के लिए। और सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि हमेशा यहाँ रहने के लिए सबने बहुत अच्छे से अपने खुद का इतना काम करने के बाद भी सब बिजी रहते हैं, उसके बाद भी थोड़ा टाइम अपनी सेहत के लिए भी देना चाहिए। सबसे ज़रूरी है, यदि आप अपनी सेहत अच्छे से रख पाओगे तो आगे लाइफ टाइम भी अच्छे से सब अचीव कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वुमेंस डे है सर, और बीजेपी की तरफ से आज वुमेंस के लिए, आज महिला हमारे देश का मान सम्मान है, इज्जत है और शक्ति है सर, और बीजेपी की तरफ से इन महिलाओं को इतना सम्मानित किया जा रहा है, आप इस बारे में सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जागतिक महिला दिन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 10 वर्षों से नागपुर शहर में कम से कम 150 कार्यक्रम ऐसे लिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से छोटे छोटे तबके से बड़े मंच पर आई हुई महिलाओं का सम्मान हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से महिलाओं को आगे जाना, समाज में सामने आना ये कठिन है, पर ऐसे कठिन समय में भी मेहनत करते हुए ये जो महिलाएं सामने आती है उनका सत्कार, उनका सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से अजनी में नूतनताई शेंदुर्निकर के माध्यम से हो रहा है। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है जिनके भरोसे पे भारतीय जनता पार्टी आज गली से लेके दिल्ली तक पहुंची हुई है। आज जागतिक महिला दिन की मैं आपके तरफ से सभी यहाँ पे एकत्रित सभी नागरिकों के ओर से जागतिक महिला दिन की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे अजनी रेलवे कॉलोनी में नूतनताई शेंदुर्निकर इनके ओर से महिला दिवस, जागतिक महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया और एक अच्छा कार्यक्रम है। महिलाओं को मान सम्मान देना एक जो लाया गया है, इसके लिए मैं महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला जागृति दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज जो भी महिला दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी ज्येष्ठ माताओं का और बहनों का सत्कार हुआ है, मैं तहे दिल से नूतनताई शेंदुर्निकर और उनके सभी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रकार से समाज में कार्यरत अच्छे काम करने वाले महिलाओं का सम्मान हुआ, तो आने वाली हमारी बच्चियाँ इनको भी प्रेरणा मिलती है कि हमने भी अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारा भी काम लोगों के सामने आना चाहिए। तो एक अच्छी पहल है और माननीय मोदी जी ने महिला दिवस ये संपूर्ण देश भर अच्छे से मनाया जाए इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हमको प्रोग्राम दिया है, तो देश भर में एक महिला दिन मनाया जा रहा है और एक अच्छा वातावरण और महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। शमणाओ चेलावी
बेला आई।